नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से मुजफ्फरपुर दहल गया है। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक घर में घुसकर चार लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी है, जिसके बाद चारों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चारों लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के जजुआर गाँव का है, जहां बुधवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चार लोगों को गोलियां लगी है। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में है, जहां गोलीबारी की घटना में घायल चारों लोगों का इलाज चल रहा है। हम बात करेंगे कि क्या कुछ घटना है और अपराधियों द्वारा किस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या हुआ है, घटना क्या है पूरा? घटना ये कल संध्य रात 9:30 बजे के बीच ये मोटा मोटी 6-7 अपराधी ने घर पे नाम लेके बुलाया पापा का, ठीक है। पापा सोया हुआ था, हम लोग टीवी देख रहे थे, उसी बीच में मेरा भाई बाहर निकला, उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। बचाव में 4 जन को गोली लगाया, हम मेरा भाई को, मेरा पापा, मम्मी। क्या कुछ नाम है चारों आदमी का जिसको गोली लगी है? हेम ठाकुर और मोती देवी जो मेरा मम्मी है, अंकित कुमार जो मेरा भाई है, और एक हमको लगाई गोली। अपराधी को पहचाने? जी, आसपास के ही, गांव के ही। अच्छा, क्या कुछ कारण लग रहा है गोलीबारी की घटना को? देखिए, हम लोग को बाहर बुलाया नाम लेके पापा का, बस बाहर निकला फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कितनी राउंड लगभग गोलियां चलाई होगी? मोटामोटी 10 राउंड से ज्यादा चला। 10 राउंड से कितनी गोलियां लगी है सभी लोग को? एक को 3 गोली लगाया जो मेरा भाई है अंकित, मम्मी पापा को 2-2 गोली लगाया। अच्छा, पूर्व से कोई विवाद उवाद भी है, ऐसा कोई मामला? हमको भी एक गोली लगा। आपको भी एक गोली लगा है? कहाँ लगा है? अच्छा, बाकी सब लोगों का इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। अभी तक कुछ कारण पता चल पाया है कि क्यों गोलियां बरसाई? वही तो पता नहीं चल रहा है। हम लोग से पर्सनली कोई रंजिश नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को मारा, हम लोग कोई पर्सनली। क्या स्थिति है सभी लोगों का? एक का जो मेरा भाई है उसको पटना रेफर कर दिया गया, और मम्मी पापा का इलाज यहाँ पे। कितनी गोली लगी है भाई को? 3 गोली लगा उसको। 3 गोली लगा है। पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पर? हाँ, पुलिस आधा घंटा बाद पहुंचा था, आधा एक घंटा बाद पहुंचा था। अच्छा, गाँव के ही है अपराधी? हाँ, सारा अपराधी ये 4, बाकी 2 को नहीं पहचान रहे थे। कितने की संख्या में थे अपराधी? वही 6-7 था। आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जजुआर, कटरा, मुजफ्फरपुर, बिहार। जैसा कि आप सुन रहे थे कि गोलीबारी की घटना में घायल जो है इनको भी एक गोली लगी थी, जिसमें इनके हाथ में गोली लगी हुई है और ये घायल हो गए थे। और भी कुछ वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मामला जानकारी चला है आपको पता? गांव में ऐसा तो कुछ है नहीं, हम लोगों को पता नहीं किस कारण से वो लोग गोली मारा। ये तो नरसंहार है इसमें, वो तो घर में घुस के मारा है, न कोई पूछा न क्या, आया फटाफट गोली मारना शुरू कर दिया। और गांव का ही लड़का है, बाहर का है नहीं, जिसमें 3 आदमी की पहचान हो गई और उसके साथ और भी जो लोग थे उसमें शामिल है, यही हुआ है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कारण? कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा पूजा के समय में ऐसा कुछ हुआ होगा, बच्चों लोगों के बीच में कुछ हुआ होगा, वो सब कुछ रंजिश के कारण पूजा के समय की बात सामने आ रही है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान किसी विवाद, मतलब किसी चीज़। हाँ, बच्चा समय हुआ होगा, हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा, बाद विवाद कुछ हुआ होगा। कितने लोगों को गोली लगी है? 4 लोगों के लगा है। हाँ, क्या हालत है चारों की? हालत अच्छा नहीं है, मेरी भाभो है और भाई है वो ICU में है, जो एक भतीजा है वो पटना उसको रेफर कर दिया, एक भतीजा को हाथ में लगा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग इसे भी बहुत कमजोर आदमी है, नरसंहार हुआ। हाँ, नरसंहार हुआ है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हो गया शरद कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जजुआर। जजुआर कटरा। हाँ, दक्षिणी टोला। तो जैसा कि स्थानीय लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि नरसंहार हुआ है, वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर हमने कटरा थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन गोलीबारी की घटना अभी सामने आई है सर। आज दिनांक 25/10 को समय करीब 10:30 बजे रात में जजुआर मध्य से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के लोगों को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है। तो वहाँ पे जैसी सूचना प्राप्त हुई वहाँ पे थाने की गश्ती गाड़ी पहुँची, तब तक वहाँ से लोग जो है माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तो यहाँ पे आने पे पता चला कि हेम ठाकुर हैं, उन्हें गोली लगी है, उनकी पत्नी है मोती देवी, उन्हें गोली लगी है, अंकित है और अमन जो हेम ठाकुर के जो बेटे हैं उनको भी गोली लगी है,
अमन को जो है हाथ में गोली लगी, वो पूरी तरीके से ठीक है, बाकी और लोग का इलाज चल रहा है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है 5 लोगों की पहचान की गई है और 3 अज्ञात थे जो गोलीबारी में थे शामिल। इस संबंध में लगातार अभी छापेमारी हो रही है, उसमें से अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी के घर पे छापेमारी हुई है। खोखा वगैरह भी बरामद? हाँ, खोखा वगैरह भी घटनास्थल से बरामद। कितने खोखा बरामद हुए सर? अभी जो है करीब 5-6 खोखा बरामद हुआ है। घटना के पीछे कुछ कारण पता चला? ये तो परिवार वाले तो फिलहाल अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। अमन जो है छोटा लड़का है, ये बाहर रहता है, अंकित जो है वहीं पे रहते हैं, और ये जजवार मध्य पूजा कमेटी के वो सदस्य भी थे, तो शायद कल कुछ विवाद वाद की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी वो इलाज चल रहा है तो वो अभी स्पष्ट कहने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इससे पूर्व में भी मुजफ्फरपुर में एक बार अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें शहर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर के कटरा में बुधवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर 4 लोगों को गोली मारी है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर पुलिस इन अपराधियों को कब तक अपने कब्जे में ले पाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।